thinking ke will it work, won't it work, but touchwood it has worked and worked very well. Aaj hum 500 episodes pe stand kar rahe hain, 2 saal se zyada वक्त गुजार चुके हैं इस शो के साथ. तो आई थिंक बीइंग अ हिस्टोरिकल कॉमेडी, नॉट अ रेगुलर कॉमेडी बट अ हिस्टोरिकल कॉमेडी विच वाज अ रिस्की प्रोपोजिशन, ये करते हुए यहाँ तक आना, आई थिंक वी आर मोर देन हैप्पी. या जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल कॉमेडी, और किकू ने भी कहा कि हिस्टोरिकल कॉमेडी अटेम्प्ट करना ही बाय इटसेल्फ बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप होता है. पर बीरबल एक ऐसा कैरेक्टर है जो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे कि जब भी आप बीरबल के बारे में सोचोगे तो कभी सीरियसनेस नहीं आती चेहरे पर. यू विल गेट अ स्माइल, यू विल थिंक अबाउट व्हाट ही इज थिंकिंग. सो देयर इज अ लिटिल नॉटीनेस, देयर इज अ लिटिल विटीनेस टू बीरबल ऑल द टाइम. तो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था बाय बिग मैजिक टू मेक समथिंग आउट ऑफ बीरबल एंड मेक अ कॉमेडी आउट ऑफ हिस्ट्री. एंड हमने पूरी कोशिश की है. जब ये शो शुरू हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, हम विल वी बी सक्सेसफुल, विल वी नॉट बी सक्सेसफुल, वेयर विल वी गो फ्रॉम योर ऑन. पर 500 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं एंड टुडे वी ऑल लिव आर कैरेक्टर्स. मतलब अगर आप कहीं भी सेट पर आएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कैरेक्टर्स नहीं हैं. और मैं क्या कहूँ, 500 एपिसोड तक मैंने अपनी मूछें बढ़ा ली है, बाकी सबकी शायद नकली है, मेरी खुद की असली हैं. ये मेरी खुद की मूछें आज तक, अभी कभी कभी मेकअप मैन भी कंफ्यूज हो जाता है, वो आकर मेरी मूछें खींचने लगता है, सर शूटिंग हो गया पैकअप खींच लो, तो मैं बोलना पड़ता है कि मेरी असली है भाई. सो आई हैव बिकम सो कॉन्फिडेंट नाउ दैट वी आर पुलिंग दिस ऑफ एंड वी विल पुल दिस ऑफ अलॉन्ग वे अहेड कि मैंने अपनी मूछें उगा ली. दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव. सर बहुत सारे कॉमेडी शो चल रहे हैं आजकल अपने टेलीविजन पे, इनमें से आपका बीरबल भी है, कपिल का भी है, और उसके अलावा बहुत सारे शो जो आपने भी किए हैं, आजकल हम देखते हैं कॉमेडी का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, उसके जो कंटेंट है वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं. तो अकबर बीरबल के कंटेंट तो काफ़ी अच्छे रहे, तो बाकी लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो कॉमेडी का स्तर एक अच्छे मुकाम तक जा सके? नहीं, पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे मुझे, आप कॉमेडी का स्तर क्यों नीचे जा रहा है? मतलब जितने शो सब टीवी चैनल पे या जहाँ पर भी आते हैं मैंने देखे हैं, या फिर कोई भाभी जी घर पे, मे आई कम इन मैडम, ये वो जितने शोज़ हैं, वो मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से कॉमेडी का स्तर गिरता हुआ. आप द कपिल शर्मा शो है, जो शोज़ मैं कर रहा हूँ उनके लिए तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि अकबर बीरबल का भी और द कपिल शर्मा शो का भी, ये दोनों शोज़ हर जनरेशन को केटर करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है. मैं ये जानता हूँ कि कुछ शोज़ हैं जो हर जनरेशन को केटर नहीं करते, उनका ज़रा ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस ज़रा सी अलग हो जाती है, वो हर इंसान का उनका कॉल, वो किस तरह क्या चीज़ बनाना चाहते हैं. लेकिन मैं खुद पर्सनली जो काम करता हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काम मैं करूँ वो 8 साल के लड़के से लेके 80 साल के भी देख सकें उस शो को, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. तो मेरे ख्याल से दो शो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो उसी प्रकार के शो हैं और मैं तो वही करता रहूँगा. अदरवाइज भी मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो आप बात कह रहे हैं वो कुछ सालों पहले और ज़्यादा एप्लीकेबल होती, अभी स्तर इतना बुरा नहीं है, अभी ठीक है. मुझे, मैं भी इतने सालों से टेलीविजन कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि कॉमेडी इज़ मेकिंग इट स्पेस नाउ. आप देखिए स्पेसिफिक चैनल तो होते ही हैं, लेकिन अगर एक एन टीवी पे एक शो और एक लाइफ ओके पे एक शो कॉमेडी फैल रही है, अपनी अपनी जगह बना रही है, इन द रेगुलर GEC जो शोज होते हैं उनमें अपनी जगह बन रही है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड ट्रेंड. क्योंकि एक दौर था जब कॉमेडी सिर्फ सब चैनल्स पे आती थी, जैसे एक साराभाई वर्सेस साराभाई खिचड़ी भी स्टार प्लस और लाइफ ओके पे आता था, और फिर फैमिली नंबर वन भी एक सोनी पे आता था, और बीच में वो ट्रेंड आया कि ये सारे शोज़ बंद हो गए ऑन अ नॉर्मल चैनल. तो सिर्फ एक ही चैनल था सब टीवी जो कॉमेडी बनाता था, उसके अलावा बाकी चैनल्स पे कॉमेडी बंद हो गई थी. फिर बिग मैजिक आया, हु स्टार्टेड डूइंग द जॉनर ऑफ कॉमेडी अगेन. नाउ कॉमेडी इज ग्रोइंग बिकॉज नाउ एवरी चैनल हैज़ अ कॉमेडी शो एंड इट्स कमिंग बैक. सो ये तो अच्छा दौर है, थोड़ा हम लोग और कमा सकते हैं. बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि घर पे जब इंसान पूरे दिन थका मंदा आता है तो घर की औरतें भले ही कॉमेडी ना देखना चाहे और डेली शो देखना चाहे, लेकिन जो व्यूअर्स मेल व्यूअर्स है, आई थिंक कॉमेडी मोस्टली इज वॉच्ड बाय मेल व्यूअर्स, मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ इट, बट मोस्टली कॉमेडी का जो जॉनर है इज मेल व्यूअर्स. और मेल, मुझे इस बात में कभी भरोसा नहीं हुआ है कि एक वुमेन ऑडियंस ही टेलीविजन चलाती है और वुमेन को, जो औरतों को पसंद है वो बनाओ तो सीरियल हिट हो जाएगा. अगर ऐसा होता तो CID 16 साल से नहीं चलती,
क्योंकि उसमें औरतें होती नहीं. सो बेसिकली आई फील इट्स अ मिक्स, यू गिव ऑडियंस अ मिक्स ऑफ कॉमेडी, यू गिव ऑडियंस अ मिक्स ऑफ रोना धोना, एंड यू गिव अ ऑडियंस अ मिक्स ऑफ थ्रिलर्स एंड डिटेक्टिव. सो इट्स हैज टू बी एन ओवरऑल पैकेज. कॉमेडी का दौर रहा है, रहेगा और हमेशा से चलता आया है. सो इट विल नेवर गो आउट. क्यों नहीं ले आइए. एनी प्रोड्यूसर लिसनिंग, बिग मैजिक फिल्म बनानी है, बिग मैजिक. और हमें ही कास्ट कीजिएगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. वो तो हम कह ही चुके हैं, और कुछ आप पूछना चाहेंगे? वो तो हम व्यूअर्स से, तो व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि शो, आप शो को आपने इतना प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए. एंड हमने एक बहुत पॉजिटिव तरीके से इस शो को रखते हैं. हम जेन्यूनली आपको बता रहे हैं कि हम जब शूट करते हैं, हम बहुत केयरफुल भी रहते हैं कि हम क्या बात बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, कितना हमें बोलना चाहिए. हम हर चीज़ में उतना कंट्रोल मेंटेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द राइटर्स ऑल्सो, फ्रॉम द चैनल, फ्रॉम अस एक्टर्स. हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये शो बनाते हैं कि हम किसी भी गलत बात के ऊपर एम्फेसिस ना दें. हर एपिसोड का एंड देखिए, एक बहुत प्यारे और अच्छे और करेक्ट मैसेज के साथ हर एपिसोड एंड होता है. हम 16वीं सदी का ये शो कर रहे हैं. थोड़ी सी हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम आज के दौर के कुछ मुद्दे या आज के इश्यूज़, लेकिन हम जितना हो सके इश्यूज़ को लेकर 16वीं सदी में ब्लेंड करके उन्हें उस समय का दिखाकर भी हम वो बनाते हैं. तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव शो है. आप हंसते भी हैं, साथ साथ में एक अच्छा मैसेज आप एपिसोड के एंड में लेकर जाते हैं. तो इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती. अगर मैं तो एडवाइस, मतलब मैं तो चाहूँगा कि माएँ अपने बच्चों को कहें कि भाई देखो अकबर बीरबल, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है आपको. थैंक यू.